गुजरात चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इस रणनीति में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने नए चेहरों, महिलाओं और युवाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके लिए कांग्रेस ने इच्छुक दावेदारों से बायोडाटा देने को कहा है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद राज्य में बीजेपी संकट में नजर आ रही है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात फतह करने के लिए कांग्रेस इस बार हर वो जुगत लगा रही है जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही है। गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से उनका बायोडाटा मांगा है। हालांकि मौजूदा विधायकों को इसमें छूट दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में युवा, महिलाओं और साफ सुथरी छवि वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस सितंबर के अंत में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि इच्छुक व्यक्तियों को 12 सितंबर से पहले अपने अपने जिला पार्टी कार्यालयों में बायोडाटा जमा करने होंगे। ठाकुर ने गुजरात इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक जिला इकाइयों के लिए इन बायोडाटा को 15 सितंबर से पहले पार्टी मुख्यालय में जमा कराना जरूरी है, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे सकती है। ठाकुर ने कहा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी इन बायोडाटा की जांच के बाद संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 18 सितंबर को बैठक करेगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। 21, 22 और 23 सितंबर को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेगी। इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में काफी खास है। कांग्रेस की रणनीति में युवा और महिलाएं सबसे ऊपर हैं, क्योंकि कांग्रेस की कमान इस वक्त खुद राहुल गांधी ने थाम रखी है। जगदीश ठाकुर ने कहा कि मौजूदा विधायकों को कोई बायोडाटा नहीं जमा कराना, वो दोबारा चुनाव लड़ने की दौड़ में है। कांग्रेस युवाओं, महिलाओं और स्वच्छ छवि वालों को प्राथमिकता देगी। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले की तुलना में शानदार प्रदर्शन किया था। 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 77 जबकि बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुकी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।